बोकारो के चंदन कियारी दपू रेलवे के आद्रा मंडल स्थित भोजुडी रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कोरोना के प्रकोप कम होने के बाद अब उसे फिर से दोबारा रेल मंत्रालय द्वारा इन सभी ट्रेनों को भोजुडी स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी दे दी गई है। इसी बीच कल स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपति नाथ सिंह, विधायक अमर कुमार बाउरी व आद्रा रेल डिवीजन KDRM सुमित नरूला ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। आपको बता दें, कोरोना के प्रकोप बढ़ने के बाद दपू रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत भोजुडी स्टेशन से होकर चलने वाली इन सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसे अब तकरीबन 3 वर्षों के बाद पुनः दोबारा कोरोना प्रकोप के घटने से फिर से शुरू किया जा रहा है। इन सभी ट्रेनों का भोजुडी रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं होने की स्थिति पर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपति नाथ सिंह द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ठहराव के लिए अनुरोध किए थे। ठहराव होने वाले ट्रेनों में स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस, आनंद बिहार नंदन कानन एक्सप्रेस, शालीमार गोरखपुर तथा हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। इस दौरान सांसद विधायक ने कांग्रेसियों को निशाना साधते हुए ओछी राजनीति कर खुद व खुद अपना पीठ थपथपाने की बातें आरोप लगाए हैं। विधायक अमर कुमार बाउरी ने जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल पर हमलावर होते हुए उसे फर्जी नेता करार दिए। क्या कुछ कहें, आइए आपको सुनाते हैं। जब वो लोग नहीं सकते हैं तो मिट्टी लपेट करके कहते हैं हम बड़ा सुरमा है, तो लोगों को कुछ कहना नहीं है। बगल में रहते हैं, सुने होंगे, तो आकर के झंडा दिखा करके हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन किए थे। आंदोलन किया, कौन सा ट्रेन रोका, कौन सा गाड़ी के आगे चक्का के आगे लोटा, कहाँ पे जेल का यात्रा खाया कि आंदोलन करके उसने नहीं करता। ये सिर्फ जो है ना, ठग करके, फर्जी बातें करके जो लोग कहते हैं ना, आज जब इंडिया ने उसको नकार दिया, जब भारत ने नकार दिया तो अपना नाम ही इंडिया रख लिया। तो इस तरह के लोग हैं जो क्रेडिट लेने के लिए फर्जी लोग हैं, और कुछ यहाँ के लोग भी लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, साथी लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, उन लोगों के साथ मिल करके रेलवे में जो कोकस चलाता है यहाँ पे, कुछ लोग जो रेलवे को अपनी संपत्ति समझता है, जो यहाँ पे बैठ करके समझता है कि रेलवे की सारी गतिविधियाँ का मालिक हम लोग हैं, उन लोगों का कष्ट है। देश की जनता ने जैसे कांग्रेस परिवार को निकाल दिया देश की सत्ता से, लेकिन उनके मन में अभी भी टीस है कि हम लोग 67 साल तक राज किए हैं तो हम ही को राज वापस मिलना चाहिए था। उसी तरह कुछ कांग्रेसी माइंड के लोग और कुछ कांग्रेसी यूनियन के लोग जो यहाँ पर है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है रेलवे का जो संपत्ति है उसका अधिकारी कांग्रेसी है, इसलिए इस तरह के ओछी प्रयास करते हैं। इनसे तो उनको शर्म आना चाहिए। अगर यदि उनको सही में अपने प्रयासों का यदि उनको क्रेडिट लेना था, प्रयास यदि उन्होंने किया था, तो आज के ऑफिशियल कार्यक्रम में उनको आना चाहिए था और आ करके कहना चाहिए था। इसका जो मिला तो सभी के लिए है, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चढ़ेंगे, कांग्रेस के लोग नहीं चढ़ेंगे। तो क्रेडिट लेने में उनको बड़े हृदय दिखा करके आना चाहिए था। इस तरह से चिंदीपना करने से कोई जो है ना क्रेडिट नहीं ले सकता है, और जनता देती भी नहीं है, इसको चिंदीपना करें। सर, आज आपने मांग रखे हैं, सर इस मांग को अगर पूरा नहीं होता तो क्या करिएगा? प्रयास करेंगे, अपनी सरकार है और इतनी बड़ी चीज़ है कि इतना जल्दी तो मांग नहीं होता है, उसको मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, कोशिश करेंगे, और जनता का सहयोग रहेगा तो उसको भी लेकर करेंगे। बड़े हैं तो ऐसा ही आगे अभी प्रोग्राम है, ये सब चीज़ें जो हैं ये रेलवे बोर्ड में डिसाइड होती है। सर, सांसद महोदय ने या विधायक महोदय ने आज जो बातें रखे हैं, इसका इम्प्लीमेंट कब तक हो पाएगा? इस पर बिल्कुल एकदम जो है गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। सर ने जो जो बोला है, मेरे को जो है कागज मिल गया है, मैं उसको देखता हूँ। पेयजल की समस्या काफ़ी जटिल समस्या में से एक है, चेक करूँगा। आपके आँख के सामने हुआ कल जो न्यूज भेज दिया या ऐसे ही चलाया, जिसमें DRM है, सीनियर DCM है, यहाँ के रेलवे के सभी पदाधिकारी हैं, या अधिकृत कार्यक्रम कौन हुआ, या अधिकृत कार्यक्रम हुआ जिसमें रेलवे के पदाधिकारी जो अपने मन से आ गया, अपने मन से एक झंडा दिखा दिया है, तो उसको अधिकृत कैसे मानेंगे? अधिकृत तो उसमें रेलवे के कोई अधिकारी थे क्या? अगर नहीं थे तो ऐसे ही सरकार किसकी है? तो भाजपा की है। और यह निर्णय कौन लिया? तो रेल मंत्री जी ने लिया। रेल मंत्री जी किसके कहने पर लिए? तो हम लोगों के कहने पर लिए। तो हम लोगों के यहाँ के हम लोग किसके कहने पर रेल मंत्री जी से? तो यह चंदन कियारी क्षेत्र की जनता के कहने से उनसे हम लोग ने अप्रोच किया। तो हम लोग यह अधिकृत तो इसमें भी कोई शक है क्या? वो सपना देख रहे थे, हम लोग सच्चाई देख रहे हैं। सर, आपने भी कई बार पत्र लिखे सर इस विशेषांक को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? और बोलिए, आपने भी पत्र लिखे थे सर इस विषय को लेकर के? आपने भी पत्र लिखे थे? पत्र लिखे थे, बोल रहे हैं। सर बोल रहे थे कि हमने आंदोलन किया था,
पत्र को हमने फेसबुक में भी और व्हाट्सएप में भी फेसबुक में भी उसको हाईलाइट किया है कि हमने पत्र लिखा था। तो सर यहाँ पर सर लग रहा है कल जो बिना अनुमति के घुस गए थे इस पर क्या कार्रवाई कीजिएगा? कल यदि बिना अनुमति के झंडा दिखा दिए और आप लोग आज दूसरा दिन झंडा दिखा रहे हैं तो इसमें सही किसको माने? सर एक सवाल लेंगे सर।